हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2। हमने वैसे कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज के हिसाब से तो 2.3 तक, और आज अपन इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल की आज पहली क्लास रहेगी, पहला ही एग्जाम्पल आपको सामने दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था शून्य निकालना, वैसा ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसमें बोला गया कि आपको ग्राफ में जो आकृति दिखाई गई है उसमें शून्यकों की संख्या बतानी, क्या बतानी है, शून्यकों की संख्या। और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि ग्राफ में जब आपको देख के बताना पड़े तो शून्य आप कैसे देखोगे, कि जब ये एक्स एक्स को टच होगी, ये लाइन कौन सी है, एक्स एक्स वाली है, और ये लाइन कौन सी है, वाई एक्स। ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये मूल बिंदु है जहाँ पे 0 0 मान दोनों का। ये आपको ज़्यादा निर्देश तंत्र, आपको निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ाएंगे 7वें चैप्टर में। कौन से चैप्टर में पढ़ाएंगे, 7वें चैप्टर में पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये एक्स एक्स जो आड़ी लाइन होती है, जो इस प्रकार से मैंने जो आड़ी लाइन खींची है वो क्या है, एक्स एक्स की है। जो खड़ी लाइन है ये क्या है, वाई एक्स की है। जो जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस कर रही है वो आपका क्या है, मूल बिंदु है, 0 0 है। अब बात इस पे ध्यान देनी है कि एक्स एक्स को ये जो लाइन रेड कलर से मैंने जो वक्र बनाए हैं रेड कलर से, वो एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहे हैं, एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहे हैं। तो इसमें आप बताओगे कि सर जी इसमें तो रेड है जो है वो एक्स एक्स को एक ही बार काट रहा है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें शून्य हो जाएंगे एक। एक और दो, इसके शून्य कितने होंगे, दो बार काट रहा है तो इसके शून्य होंगे दो। एक दो तीन, तीन बार काट रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे तीन। इसी प्रकार से ये देखो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है ना, ये तो वाई एक्स को काट रहा है, नीचे वाला वाई एक्स को काट रहा है, ये वाई एक्स लाइन है, एक्स एक्स को एक ही बार काट रहा है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य के बराबर एक। ये देखो या तो टच करना चाहिए या काटना चाहिए, तो एक्स एक्स को एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, तो इनके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य साफ हो जाएंगे जीरो। और एक दो तीन चार, तो इसके शून्य के कितने हो जाएंगे, आप अच्छे से बताएंगे, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, चार शून्य हो जाएंगे। दैट इज क्लियर। एक्स एक्स को या तो टच करना चाहिए या एक्स एक्स को काटना चाहिए ग्राफ, तब जाके आपका शून्य प्राप्त हो जाएगा। अच्छा है, समझ में आ गया, वेरी इजी है। ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक या आपके जो आप एमसीक्यूज पैटर्न है 30 नंबर का, उसमें आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जांपल पे। एग्जांपल आप निकाल लें, बढ़िया एग्जांपल है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपने किया था क्वेश्चन 2.1 में, ऐसा ही क्वेश्चन। और एग्जाम्पल वैसे स्टूडेंट को करने होते हैं, क्लास में नहीं करवाए जाते, लेकिन आपको ये ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें हम करवा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में शायद आपको टीचर नहीं करवा पाएंगे, इतना टाइम नहीं होता क्लास में करवाने के लिए कि आपको एग्जाम्पल भी करवाई जाए और आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाई जाए, क्योंकि फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली क्लास आती है, क्लास को लाइक करेंगे, सभी शेयर करेंगे। आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यानी उदाहरण के तौर पे सेकंड नंबर जो एग्जांपल है वो ये है, एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इसके क्या निकालने हैं आपको, शून्य के निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर जीरो कर देंगे, बराबर जीरो कर दिया। वही बात है जो बार बार दोहरा रहा हूँ, पीछे से करते आ रहे हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 = 0। क्लास भी देखनी इंपॉर्टेंट है, क्यों, आप मानोगे, एक बात बताऊंगा आपको। जैसे आप 1 से लेकर 40 तक वर्ग याद करते हैं या 1 से लेकर 30 तक वर्ग पढ़ते हैं, तो आपके पहले 10 तो आपको, चाहे आप सो रहे हैं रात के 12, आप जो पूछ रहे हैं आपको आके कि 10 का वर्ग कितना होता है, 100, रात को नींद में बता दोगे आप। लेकिन आपको अगर आके 23 का पूछ ले तो आप नहीं बताओगे। ये क्या है, आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, किसी वस्तु को बार बार देखोगे या बार बार उस आपके सामने जो वस्तु आएगी तो वो आपके क्या याद हो जाएगी। कोई भी हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे व्यक्ति का चेहरा हो, चाहे कोई भी वस्तु हो या कोई जगह का रास्ता हो, कोई हो, आप बार बार उस पर जाओगे, दौड़ोगे तो आपकी कंटेस्ट याद हो जाएगा। तो इसलिए जो इजी से इजी क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ना है,
देखना है, अच्छे से निकालना है, जो हार्ड से हार्ड है वो भी है, और ऊपर तक जाने के लिए शुरू से लेके लास्ट मंजिल जो लास्ट सीढ़ी है उस तक जाने के लिए पहली सीढ़ी पे आपको चढ़ना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे सभी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। तो अब देखो इसके एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण बन गया। तो इसके फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 10, जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए 7। बताओ ऐसी कोई दो संख्याएं एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 2x, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। जी सर जी, वेरी गुड, सभी का जवाब। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस में 5 प्लस के 2 कॉमन आ गया, x प्लस के 5 इज इक्वल टू जीरो है। तो ये है x प्लस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, x प्लस 5 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, उठा लिया बाहर, यहाँ पे x बच गया, प्लस का 2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0, किसी एक के बराबर तो 0 है ही। चलो x इज इक्वल टू माइनस के 5 जाएगा, प्लस का 5 है, दूसरी साइड लेके जाओगे माइनस का बन जाएगा, इसको लेके जाओगे माइनस के, प्लस के 2 हैं, इस साइड लेके जाओगे माइनस के 2 बन जाएगा। तो आपके पास शून्य क्या आ गए, अब लिखोगे अतः बहुपद के शून्य बराबर माइनस के 2 कोमा माइनस के 5, माइनस के 2 कोमा माइनस के 5। अब आपको इसमें गुणकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है, तो लिखोगे शून्यकों का योग क्या है, माइनस के 2 प्लस में माइनस के 5, प्लस में माइनस के 5 ये हो जाएगा माइनस के 2, प्लस और माइनस माइनस के 5, तो माइनस के आ जाएंगे 7। जोड़ोगे माइनस के 2 माइनस के 5, कई बार बच्चे बोल देते हैं प्लस के साथ जब गुणा करते हैं तो 7 नहीं आते लेकिन 10 आ जाते हैं, 5 और 2 है, गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, जबकि माइनस के हैं दोनों तो माइनस के आएगा, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा। अब लिखोगे आप शून्यकों का गुणा, मल्टीप्लाई कर दो भैया, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2 गुणा माइनस के 5, माइनस और माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, वही बात आ गई दोबारा, अभी गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और 5 दूनी 10, इतना काम कर दिया, जी कर दिया। चलो ठीक है, मान ली, ईमानदार हैं सभी। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एबीसी का मान लिखूंगा, यहां ए बराबर कितना है, देखो यहां पे आपको देखना है ए का मान कितना है, जो x की स्क्वायर के गुणा में, 1। b का मान जो x के गुणा में है, 7। और c जो अकेला बैठा है, कौन है रे, 10, ये बैठा है अकेला। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a, माइनस का 7 बटा 1, तो ये आएगा माइनस के 7, क्या आएगा माइनस के 7। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, सी बटा ए, सी का मान कितना है 10, बटा ए का मान कितना है 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा 10 बटा 1 यानी 10। शून्यकों का गुणा 10, शून्यकों का योग माइनस 7, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का अल्फा और बीटा का योग कितना है माइनस 7, गुणा कितना है 10, बराबर आ रहे, तो लिखो अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है।
इस प्रकार से करोगे, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा इस प्रकार से करना डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग अलग कर देना प्रूफ, फिर लिख देना, एक साथ में करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तीन नंबर में क्या है, बहुपद x की स्क्वेयर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। वेरी इजी यार, कितना इजी क्वेश्चन, देखो किस प्रकार से करते हैं। लिख लिया क्या, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्या? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आपके हाथ में है पूरा। आप इसकी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना, कई बच्चे अगर मानते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट बताते हैं, इतना फास्ट तो नहीं पढ़ाता, यानी आप 10th क्लास में हो चुके हैं तो आपके लेवल से एकदम सही चलता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगे कि थोड़ा सर फास्ट पढ़ा रहे हैं या बीच में क्वेश्चन निकल गया, नोट नहीं किया, तो वीडियो को पॉज कर दिया करो या थोड़ी स्पीड है उसको स्लो कर लिया करो, नॉर्मल से कम। अब देखो एग्जाम्पल नंबर है 3, बहुपद एक्स की स्क्वेयर माइनस में 3, छोटा सा बहुपद है, प्यारा सा, एक्स की स्क्वेयर माइनस में 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब बड़ा लाजवाब क्वेश्चन दे दिया सर जी, इसमें तो एक्स का पद दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात निकालेंगे। हमने किया है ऐसे क्वेश्चन, अगर आपके याद हो तो 2.2 में टी की स्क्वेयर प्लस 15, टी की स्क्वेयर प्लस में 15 कोई क्वेश्चन आया था अगर याद है तो। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया बहुपद है बराबर 0 टेको, इसको बराबर 0 कर दो आप, कर दिया, एक्स का गुणांक ही नहीं है इसमें, कोई एक्स ही नहीं है इसमें, एक्स वाला पद गायब है, 3 को दूसरी तरफ टेको, यहाँ से हो जाएगा एक्स की स्क्वेयर इजिकल टू प्लस का 3 दूसरी साइड जाके, माइनस का 3 दूसरी साइड जाके प्लस का 3 बन गया, यहाँ से स्क्वेयर हटाओ, ये तो मज़ा ही आ गया, एक्स का स्क्वेयर हटा दिया, यहाँ पे 3 लग गया, और 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता इसलिए इसके साथ में प्लस माइनस लगेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक डाउट है वो क्लियर करता हूँ कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। मैंने लिखा माइनस के 3, मैंने लिखा माइनस के 3 का स्क्वेयर, नो आएगा। मैंने लिखा प्लस के 3 का स्क्वेयर, नो आएगा, इसलिए मैं माइनस प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों ही रिजल्ट आते हैं, और इसका आपको पता है वैसे ही कि एक्स की स्क्वेयर है, और एक्स की स्क्वेयर है तो यहाँ पे क्या है, 2 मान आएंगे, तो इसके शून्य कितने आगे लिखोगे, अतः बहुपद के शून्य इजिकल टू माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3, प्लस का साइन शो नहीं करते भी कभी भी, नहीं तो किसी के साथ में कोई गुणा का साइन, जैसे गुणा एक होता है, जैसे गुणा एक होता है ना, जैसे 5 गुणा 1, ये कभी नहीं लगाते, अकेला ही 5 आएगा, और न किसी के साथ में प्लस लगाते, अकेला ही आएगा, प्लस पता चल जाता है जिसके साथ में कुछ नहीं होता वो प्लस वाला है। तो माइनस 3 और प्लस 3 रूट के अंदर है 3, ये इसके 2 शून्य हो गए, लिखोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग कर दो माइनस के रूट 3 प्लस के रूट 3, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, सल्ट गए दोनों 0। अब लिखोगे शून्यकों का गुणा, मल्टीप्लाई करो माइनस के रूट 3 मल्टीप्लाई प्लस के रूट 3, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, रूट 3 और रूट 3, रूट 3 का स्क्वेयर हो जाता है, और वैसे रूट से रूट एक दूसरे से टकराता है तो रूट कट जाता है, यानी रूट का मीन्स होता है किसी की पावर आधी, और प्लस आधी, आधी और आधी 1, 2/2 यानी 1 आएगा, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ में 3 आएगा। क्या क्लियर हुई बात, क्लियर हुई ना? चलो अब आप लिखोगे यहाँ एबीसी का मान बताना है, आप क्या करना है एबीसी का, तो लिखोगे यहाँ जी जनाब ए का मान जो एक्स के गुणा में है, यहाँ पे देखोगे थोड़ा ध्यान से, जो एक्स की स्क्वेयर के गुणा में है वो ए का मान होता है, तो यहाँ पे 1। बी जो एक्स के गुणा में है, सर जी यहाँ पे तो एक्स का पद ही नहीं है, नहीं है तो क्या
जीरो लिख सकते हैं, नहीं है तो, और सी का मान कितना है माइनस की 3, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंट पद, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए, माइनस का 0 बटा ए, ए का मान 1 है, और जब ऊपर लड्डू आ गया तो पूरा ही लड्डू हो गया, अगर नीचे लड्डू आ गया तो भैया दो लड्डू बनाने पड़ेंगे इस प्रकार से, जुड़वा लड्डू, यानी अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, ये फॉर्मूले हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, सब बताए गए हैं आपको, और ये माइनस का 3/1, माइनस के 3 में 1 का भाग लगाओगे माइनस के 3 आएगा, देख सकते हो 0 और -3, 0 और -3, तो लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः बहुपद, बहुपद के शून्यकों, शून्यकों व गुणकों के मध्य संबंध सत्य है, अतः बहुपद के शून्यकों और गुणकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आपके 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इज दैट क्लियर, समझ में आया, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में अपन 3 ही एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट जो भी जितने भी एग्जाम्पल बचे हुए हैं, क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी को करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे जुड़ जाइएगा, ठीक। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।